दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युवराज सिंह की, और बात करेंगे कि अगर कोई टीम युवराज सिंह को खरीदती है तो उस टीम को दोस्तों क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर बात करें युवराज सिंह की, तो IPL में एक बहुत ही बड़ा नाम है युवराज सिंह का, जहां पर दोस्तों 2014 के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 14 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं दोस्तों इससे भी बड़ी रकम दी थी दिल्ली डेयरडेविल्स ने IPL 2016 के ऑक्शन में, जहां पर इन्हें 16 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन अगर बात करें दोस्तों IPL 2019 के ऑक्शन की, तो सबसे बड़ा यहां पर सस्पेंस यही बना हुआ है कि IPL 2019 के ऑक्शन में बिकेंगे भी या फिर अनसोल्ड चल जाएंगे युवराज सिंह। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई टीम युवराज सिंह को खरीदती है इस ऑक्शन में, तो उस टीम को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फायदे की। तो युवराज सिंह को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि दोस्तों युवराज सिंह अपने में ही एक ब्रांड है, और जिस टीम के साथ युवराज सिंह जुड़ेंगे उस टीम की जो ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ी सी दोस्तों अपने आप जो है वो बढ़ जाएगी। अब बात करें दोस्तों दूसरे फायदे की, तो युवराज सिंह एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, और अगर वो अपने पीक फॉर्म में रहते हैं, अगर वो अपने फॉर्म में रहते हैं, तो वो किसी भी मैच को दोस्तों अपने दम पे जो है वो जिता सकते हैं। और ऐसे में बहुत ही बड़ा फायदा होगा जो भी टीम युवराज सिंह को खरीदेगी। बात करें दोस्तों तीसरे फायदे की, तो वो होने वाला है दोस्तों उनके अनुभव का। बहुत ही ज्यादा उनके पास अनुभव है इंटरनेशनल क्रिकेट का, साथ ही साथ IPL का, और उसका फायदा जो है उस टीम को मिलेगा जिस भी टीम से खेलेंगे युवराज सिंह। अब दोस्तों अगर बात करें नुकसान की कि क्या नुकसान है अगर कोई टीम युवराज सिंह को खरीदती है, तो दोस्तों अगर युवराज सिंह एक और बार फ्लॉप जाते हैं तो ऐसे में पूरा का पूरा खामियाजा जो है उस टीम को भुगतना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो टीम प्लेऑफ में ना पहुंचे। क्योंकि दोस्तों युवराज सिंह जैसे प्लेयर को आप प्लेइंग 11 से बाहर नहीं रख सकते, और अगर आप प्लेइंग 11 से युवराज सिंह जैसे प्लेयर को बाहर रखते हैं तो आपको बहुत सारी आलोचना का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों शुरुआती मैचों में युवराज सिंह को खिलाना ही पड़ेगा टीम को, और अगर ऐसे में युवराज सिंह फ्लॉप होते हैं तो पूरी की पूरी टीम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप बाद के मैचों में भी युवराज सिंह को हटाते हैं टीम से, तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा आलोचना जो है वो झेलना पड़ेगा उस टीम को। और ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, जहां पर किंग्स इलेवन पंजाब ने भी युवराज सिंह को निकाला था, और उसके बाद उन्हें बहुत सारे आलोचना का जो है वो सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये है फायदे और ये है नुकसान युवराज सिंह को अपनी टीम में रखने के IPL 2019 में। अब देखना होगा कि कौन सी टीम युवराज सिंह के ऊपर बोली लगाती है और किस टीम से खेलते हैं युवराज सिंह। आपको क्या लग रहा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।